नमस्कार, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास, और अभी तक हमने अच्छा खासा पोर्शन ज्योग्राफी का कवर कर लिया है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें आपको सारी क्लासेस मौजूद हैं, क्लास वन से लेक्चर वन से। जो PDF है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस उस क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे PDFs अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, पर्पस हमारा ये रहेगा कि आपके मार्क्स 120 प्लस आए, ताकि आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस की तैयारी पर लग जाएं और अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर करें। पूरा ये हमारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर सभी कुछ कवर करेंगे, मॉडर्न इंडिया सब कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए। आपसे रहेगी उम्मीद कि आप यहाँ पर पेज लेकर के आएंगे, पेन लेकर के आएंगे, और साथ में जो पढ़ाता हूँ उसको नोट्स बनाते जाएंगे। PDF तो मिलेगा, PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप नोट अपना खुद का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा समय तक याद रहेगा। हमने वोल्केनिज्म कवर कर लिया है, और हमने लास्ट क्लास में रॉक्स वगैरह भी कवर कर लिया था। ठीक है ना, गीजर क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, सब पढ़ लिया है हमने। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसके जो वेव्स होते हैं, बॉडी वेव क्या होता है, सरफेस वेव, आपका जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, इन दोनों की खास बातें क्या होती हैं, सब बातें देखेंगे। आखिर में हम लोग सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो समझेंगे। यहाँ पर किस तरह से हमारे यहाँ अर्थक्वेक आता है, सुनामी के वेव्स की खासियत क्या होती है, सब बातें हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक हमारे अर्थ के क्रस्ट में सडन मूवमेंट है या वाइब्रेशन है। होता क्या है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेट आपस में घर्षण करता है, तो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। यही एनर्जी हमारे पृथ्वी के क्रस्ट को हिलाती है, वाइब्रेट करती है, इसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर बात है, ध्यान सुनिएगा। अर्थक्वेक में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है। जैसे कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो क्यों आया था? आपको पता है कि जो हमारा इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, मतलब कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है और ये आपका इंडियन प्लेट है। ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, सबडक्ट हो रहा है, और ये पूरा हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय कैसे बना है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। तो यहां पर कभी कभी प्लेट आपस में फंस जाता है। जैसे कि मान लो कि यह आपका यूरेशियन प्लेट है, ये जो है वो आपका इंडियन प्लेट है, इसके अंदर सबडक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, कहीं कहीं पर वो फ्रिक्शन के कारण फंस जाता है। ठीक है ना, अब यह प्लेट पूरा जोर लगा रहा है अंदर जाने के लिए, अचानक से ये फ्रिक्शन खत्म होता है, इसको ओवरकम कर लेता है और जोर से वो स्लाइड करता है अंदर की ओर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। समझ के बाद, तो क्या हो रहा है, समझ रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रही है, प्रेशर वहाँ पर फ्री हो रहा है और जो अर्थक्वेक है वो पैदा होता है। ठीक है, अब ये एनर्जी रिलीज कहाँ पर होती है, एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रहा था, जहाँ पर दो प्लेट आपस में मिल रहा था। ये जो क्रैक होता है, ये जो मिलन का जो रेखा होता है ना, इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं, FAULT। ये जो क्रैक है इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। इसी के अलोंग मूवमेंट होती है, ये प्लेट ऊपर चला गया, ये प्लेट नीचे सरक गया, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना, वो यहीं पर रोके हुए था, यहीं पर रुके हुए था, यहीं पर से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है और अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जिस जगह पर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं या फिर इसी को हम लोग हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। ये जो वेव है वो हर दिशा में जाती है, एनर्जी वेव के रूप में ट्रांसफर होता है, वेव के रूप में ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये हर दिशा में जाती है। क्लियर बात है? जब ये वेव ऊपर की ओर जाती है, सरफेस की ओर जाती है, तो नीचे फोकस के ठीक ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग इपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इपिसेंटर। मान लो कि आप फोकस के केंद्र पर खड़े हो और आप सबसे ऊपर देखोगे ना, तो आपको अपने सिर के ऊपर इपिसेंटर दिखाई देगा सरफेस पर। ये वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थक्वेक का वेव सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सबसे नज़दीक यही वाला पॉइंट है। देखो यहाँ से यहाँ का दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ का दूरी इतना है, तो कौन सा दूरी कम है? ये वाला दूरी कम है ना, समझ गए बात? तो यहाँ पर आपने समझा कि अर्थक्वेक आता कैसे है। जैसे ही फ्रिक्शन को ओवरकम करता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के वेव हर दिशा में मूव करते हैं। ठीक है, आपने फॉल्ट समझ लिया, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है ये समझ लिया, एपिसेंटर इसके ठीक ऊपर का पॉइंट होता है। इसके बाकी सारे पॉइंट है ना वो ज़्यादा दूरी ही तय करेगा। तुम सोचो ये लाइन सबसे छोटी है, ये लाइन ज़्यादा बड़ी है, ये उससे ज़्यादा बड़ी है ना? तो ये समझा आपने एपिसेंटर क्या होता है। क्लियर बात है? फोकस को ही हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, दूसरे नाम से बुलाते हैं। ये जो एपिसेंटर होता है फोकस के ठीक ऊपर होता है। अब नहीं भूलोगे, तीन तरह के अर्थक्वेक होते हैं। क्या होता है? तीन तरह का अर्थक्वेक होता है। डिपेंड करता है कि ये वाला फोकस कहाँ पे है। अगर ये फोकस बहुत ज़्यादा गहराई में हो पृथ्वी के, तो उसको हम लोग डीप सीटेड अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप सीटेड अर्थक्वेक, मतलब कि जो एनर्जी है वो बहुत ही गहराई में रिलीज हो रहा है। ठीक है, अगर ये सतह के नज़दीक रिलीज हो रहा है, मान लो कि यहीं पर एनर्जी रिलीज हो गई होती, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई होती, क्योंकि फॉल्ट यहाँ पे है ना, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गई होती। एनर्जी रिलीज करना मतलब क्या? रगड़ यहीं पे हो रहा था ज़्यादा, यहीं पर रोक रहा था फिसलने से। क्लियर बात है? तो इसको हम लोग कहते हैं शैलो फोकस। क्या कहते हैं इसको? शैलो, उथला, शैलो फोकस अर्थक्वेक। तीसरा होता है इंटरमीडिएट फोकस, मतलब कि कहीं बीच में, यहाँ पर कहीं पे हो जाए रिलीज एनर्जी, यहाँ पर कहीं फ्रिक्शन हो जाए। तो तीन तरह का अर्थक्वेक होता है। कौन कौन सा? शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाला है ना उसका वेव ऊपर आते आते उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता। क्लियर बात है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मिड ओशियनिक रिज। क्या मिलता है देखने को? मिड ओशियनिक रिज, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आते हैं खूब सारे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। अरे नीचे से पूरा मैग्मा आ रहा है ना ऊपर में। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ना ये वोल्केनिक आर्क है। क्यों आर्क है सर? ये जो प्लेट है वो सबडक्ट हो रहा है, प्लेट सबडक्ट हो रहा है, ये मेल्ट होगा और ऊपर में ये पूरा मैग्मा आएगा। ठीक है ना, क्या होगा? पूरा मैग्मा आएगा। चलो ये कन्वर्जिंग बाउंड्री है, ये मिड ओशनिक रिज नहीं, याद रखना ये वाला मिड ओशनिक रिज नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि मिड ओशनिक रिज जो होता है ना वो वहां पर बनता है जहां पर प्लेट डाइवर्ज हो रहे हों। यहां पर प्लेट कन्वर्ज हो रहा है, मिलन हो रहा है इनका। समझ गए बात? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? एकदम नहीं है। अर्थक्वेक आने के पीछे कारण क्या होते हैं? आपको मैंने बताया घर्षण होता है, घर्षण को ओवरकम कर लेते हैं एनर्जी। ओवरकम करने का मतलब क्या? फिसल गया। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है।
तो सबसे पहला कारण क्या होता है कि प्लेट बाउंड्री आपस में कोलाइड करती है। क्या होता है पहले केस में, मतलब पहला रीजन ये है कि प्लेट बाउंड्री जब कोलाइड करती है तो वहां पर अर्थक्वेक आता है। ये कोलिजन या तो ओशियन ओशियन कोलिजन होगा जो आपने देखा था अभी तुरंत, ये ओशियन प्लेट है, ये भी ओशियन प्लेट है, दोनों में कोलिजन हो रहा है तो आइलैंड यहां पर आर्क बन रहा है, वोल्केनिक आर्क यहां पर बन रहा है। क्लियर बात है, ये एग्जाम्पल है ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस का। अच्छा सर, यहां पर जो प्लेट है वो एक ओशियन भी हो सकता है और एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि एक प्लेट ओशियन हो एक प्लेट कॉन्टिनेंट हो, जैसा कि हमको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो है चिली वाला कोस्ट, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है और ये आपका साउथ अमेरिका है, तो ये ओशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो यहां पर भी तो कोलिजन होता है, यहां पर भी खूब सारा अर्थक्वेक आता है। क्लियर बात है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन भी हो सकता है, जैसे कि नीचे आपका इंडियन प्लेट है ऊपर यूरेशियन प्लेट है, बीच में पूरा हिमालय है ना, तो यहां पर भी तो भूकंप आता है नेपाल के एरिया में ढेर सारा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से प्लेट बाउंड्री पर कोलिजन के कारण भूकंप आता है। ठीक है, अच्छा अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगा ना, पता है ना तीन तरह के बाउंड्री होती है, पहला बाउंड्री होता है जो आपका कोलाइड करता है कन्वर्जिंग, दूसरा होता है जो दूर जाता है डाइवर्जिंग, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, बस कंधा टकरा के चल दिया। क्या होता है, कंधा टकरा के चल दिया। तो पहला आपने देख लिया कन्वर्जेंस वाला, दूसरा आप देखेंगे डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है जी, आपका समुद्र के भीतर बीच में ओशियन ओशियन प्लेट डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, ओशियन ओशियन प्लेट डाइवर्ज करेगा, तो वहां पर आपको भूकंप देखने को मिलेगा। क्लियर बात है सर, अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्ज करे तो आपको देखने को मिलता है रिफ्ट वैली, याद है ना अफ्रीका वाली रिफ्ट वैली। ठीक है चलिए, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, जहां पर कंधा रगड़ के चल दे, बस टकराया मतलब कि यूं पार हो गया, एक इधर गया और एक इधर गया, ना कोई किसी के ऊपर आया ना कोई किसी के नीचे गया, कोई सबडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है उसी कारण से यहां पर अर्थक्वेक दिखाई देती है, जैसे देखने मिलता है हमको कैलिफोर्निया का जो कोस्ट है ना, ये आपका अमेरिका है। ठीक है, ये पूरा कैलिफोर्निया का जो मतलब एरिया है वो है सेंट एंड्रियाज फॉल्ट कहते हैं उसको, एक प्लेट इधर जा रहा है एक प्लेट इधर जा रहा है और यहाँ पर रगड़ के कारण घर्षण के कारण अर्थक्वेक ढेर सारा देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है सर, चौथा पॉइंट आपका है मेडिटेरेनियन सी का रीजन। वहां पर मैंने बताया था आपको पहले कि मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है ना, ये पहले तेथिस सी हुआ करता था। यहाँ पर कई सारा छोटा छोटा प्लेट मिलता है, क्या मिलता है, कई सारा छोटा छोटा प्लेट मिलता है जो आपस में टकराते रहता है और वहां पर अर्थक्वेक आता रहता है। तो चौथा एरिया है मेडिटेरेनियन सी का रीजन, उसके चारों तरफ हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। चार समझ गए, पहला कौन सा था कन्वर्जिंग, दूसरा कौन सा था डाइवर्जिंग, तीसरा कौन सा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, चौथा कौन सा है भूमध्य सागर वाला मेडिटेरेनियन वाला। चार समझ गए, पांचवा समझो, पांचवा आपका है कि हमारा जो मानव है वो भी कई सारा रोल प्ले करता है और कई बार जो हमारे प्लेट हैं वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो पुराने फ्रैक्चर हैं, मतलब जो पुराने घाव है कोई उकेर देता है तो भी वहां पर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और मानव तो है ही, सभी फसाद की जड़, तो हम लोग भी कई बार अर्थक्वेक लेकर के आते हैं। कैसे लाते हैं सर, परमाणु बम के विस्फोट से, टेस्टिंग से, हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग से। मान लो कि हमने कोई बड़ा रिजर्वायर बना दिया, डैम बनाते हैं ना बांध, तो बांध के पीछे रिजर्वायर बनाना पड़ता है जहां पर हम लोग पानी स्टोर करते हैं, और वो जो रिजर्वायर होता है वो पृथ्वी के नीचे प्रेशर पैदा करता है और इस कारण से भी वहां पर अर्थक्वेक आता है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक डैम बना था, रिजर्वायर बना था, वहां पर हमें अर्थक्वेक देखने को मिला था। ठीक है, रिजर्वायर बनाने के कारण माइनिंग करते टाइम हम लोग जो विस्फोट करते हैं उससे भी आता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये सभी कारण हैं मतलब आपके अर्थक्वेक पैदा होने के। अब जापान अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों फेमस है,
जापान जो है ना वो तीन प्लेट के वहां पर बसा हुआ है, जहां पर तीन प्लेट आपस में मिलती हैं। यहां से देखना, एक आपका है पैसिफिक प्लेट, एक आपका है फिलिपीन प्लेट, एक आपका है यूरेशियन प्लेट। ये तीन प्लेट का संगम है यहां पर जापान बसा हुआ है। क्या है? फिलिपीन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूपीएससी चुपके से सवाल पूछेगा आपसे इस तरह से कि ये बताओ जापान के नजदीक कौन कौन से तीन प्लेट मिलते हैं, बता दिले जाओगे? प्रशांत महासागर का प्लेट, फिलिपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। होता क्या है कि यहां पर पैसिफिक प्लेट फिलिपीन प्लेट के नीचे जाता है, ठीक है, और जो फिलिपीन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे आता है। क्यों जाता है सर? क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो है ना वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हल्का है, ठीक है ना, और जो फिलिपीन प्लेट है वो भारी है। क्या है? ये भारी है। प्रशांत महासागर का प्लेट उससे भी भारी है, उससे भी भारी है, इसी कारण से ये फिलिपीन प्लेट के नीचे चला जाता है। समझ गए? तो यहां पर तीन प्लेट का जंक्शन है। क्या हो रहा है? यहां पर तीन प्लेट का जंक्शन है, इसी कारण से कोई ना कोई प्लेट आपस में एक दूसरे से रगड़ता ही रहता है, इसीलिए वहां पर भूकंप आता रहता है। समझ गए? कोई ना कोई प्लेट वहां पर जो कारनामा है करता ही रहता है, इसी कारण से वहां पर भूकंप आता ही रहता है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने सिस्मिक वेव की तरफ, ठीक है। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया मतलब क्या? फ्रिक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी वेव के रूप में मूव करने लग गई। क्या किया? वेव के रूप में मूव करने लग गई। तो जो सिस्मिक वेव होता है ना वो एनर्जी का ही वेव होता है जो पृथ्वी के जो लेयर हैं उनके थ्रू मूव करता है। क्लियर बात है? मतलब कि क्रस्ट, मेटल कोर इन सब से होकर के मूव करता है। ये वेव कब पैदा होते हैं? ये पैदा होते हैं अर्थक्वेक के कारण। अगर कोई ज्वालामुखी फटता है, कोई मैग्मा निकलता है, कोई बड़ा लैंडस्लाइड आता है, भूस्खलन होता है, या मानव के द्वारा कोई एक्सप्लोजन किए जाते हैं, आपको पता है शॉक वेव्स आते हैं। कई बार आप सर्च करना यूट्यूब पर शॉक वेव बॉम्ब ऐसा करके, तो आपको एक विस्फोट दिखाएगा और शॉक वेव आपको आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं सिस्मिक वेव। ये मैकेनिकल वेव होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनको प्रोपगेट करने के लिए, इन वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ध्यान सुनिएगा, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि आपका लाइट है, समझ गए, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती मीडियम की। नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। क्लियर बात है? जो सिस्मिक वेव होता है वो मैकेनिकल वेव होते हैं, इनको आवागमन के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो इन सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है, एक ग्राफ बनाता है। क्या करता है? ग्राफ बनाता है। तो अगर कोई सवाल एकदम पूछ दे, मतलब ऐसे लुसपुस टाइप का कि सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो बता देंगे आप कि सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, दो तरह के सिस्मिक वेव होते हैं। एक होता है बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। आपको मैंने बताया कि जो वेव होता है वो कहाँ पर जनरेट हो रहा है? पृथ्वी के भीतर फोकस होता है ना, फोकस पृथ्वी के भीतर होता है, तो फोकस पे ही वेव जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पर इसके भीतर में कहीं पर ये वेव जनरेट होगा और ये मूव करेगा। तो जब ये वेव पृथ्वी के भीतर मूव करता है उसको हम बॉडी वेव कहते हैं, और जब यही वेव सरफेस पर आता है तो फिर वो सरफेस के अलोंग मूव करने लगता है, इसको हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। मतलब कि बॉडी वेव ही आगे जा करके सरफेस वेव पैदा करता है। समझ के बात? क्या करता है? बॉडी वेव ही आगे जा करके सरफेस के अलोंग चलने लगता है और सरफेस वेव पैदा करता है, ठीक है। ये जो सिस्मिक वेव होते हैं
वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों करते हैं। आपने जब ऑप्टिक्स पढ़ा होगा बचपन में, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 में, आपने देखा होगा कि जो लाइट है उसका परावर्तन और अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। सिस्मिक वेव का भी परावर्तन और अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। समझ गए बात? मतलब कि सिस्मिक वेव भी टकरा करके लौट सकती हैं, सिस्मिक वेव भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर मुड़ती हैं। कैसे मुड़ता है सब दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? आगे कि पी वेव कैसे मुड़ता है, एस वेव कैसे मुड़ता है, सब बताएंगे आपको, ठीक है ना? चलिए, उनका जो बिहेवियर होता है वो मीडियम के हिसाब से बदलता है। जैसे कि प्राइमरी वेव शक्तिमान होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो जाता है। सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड से पास होता है, वो फ्लूइड से पास नहीं होता। सब बताएंगे बढ़िया से, अभी खाली इतना याद रखो, ठीक है ना? सारे हमारे जो अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फेयर में पैदा होते हैं, मतलब कि सरफेस से 200 किलोमीटर के भीतर तक सारे, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे वेव जो हैं वो, मतलब सारे अर्थक्वेक जो हैं वो पैदा होते हैं। उससे गहराई में कोई अर्थक्वेक वहाँ पर उतना नहीं मिलता, ठीक है? दो तरह के वेव होते हैं, बॉडी वेव मैंने बताया, जब ये बॉडी वेव सरफेस पर आएगा तो सरफेस वेव का जनरेशन करेगा, सरफेस वेव को जन्म देगा, ठीक है? बॉडी वेव पूरी पृथ्वी में घूमता रहता है, यहाँ से पैदा हुआ तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जहाँ मन वहाँ जाएगा। क्लियर बात है? डिपेंड करता है कि वो वेव किस तरह की है। प्राइमरी वेव है तो सब जगह जाएगा, सेकेंडरी वेव है तो लिक्विड में नहीं ट्रेवल कर पाएगा। जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, पता है ना, उसमें मूव नहीं कर पाता, ठीक है? तो यहां पर जो बॉडी वेव है वो वही, मतलब जो होता है ना फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप, तो यही आगे आकर के सरफेस वेव के रूप में निकलता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, अब हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड। जो वेव की स्पीड होती है वो हायर डेंसिटी वाले मटेरियल में ज्यादा होती है। क्लियर बात है? जो स्पीड होती है वो ज्यादा होगा जब मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? ज्यादा इलास्टिक होगा, जितना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल उतना ज्यादा वेलोसिटी। समझ के बात, ठीक है? तो जैसे जैसे ये वेव धरती के अंदर जाते जाएंगे, जैसे कि क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, तो डेंसिटी कोर में ज्यादा होगी ना, तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्लियर बात है? इसी कारण से यहां पर लिखा हुआ था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड की बारी आती है, उसके बाद गैस की बारी आती है। प्राइमरी वेव के केस में सेकेंडरी वेव गैस में ट्रेवल नहीं करता, ठीक ना? आगे आ जाओ, टेम्परेचर। जो एरिया ठंडा होगा, ध्यान सुनना, जो एरिया ठंडा होगा वो ज्यादा रिजिड होगा। अब चूंकि ज्यादा रिजिड है तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर बात है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पाए जाते हैं सिस्मिक वेव में, परावर्तन अपवर्तन दोनों होगा। और क्यों होगा सर? क्योंकि उनकी डेंसिटी बदल रही होगी। मटेरियल का डेंसिटी बदलेगा ना, तो सिस्मिक वेव का जो परावर्तन है, अपवर्तन है, वो होगा पृथ्वी के भीतर। अब तीन तरह का मोटा मोटी वेव होता है। पी वेव प्राइमरी वेव कहलाता है, एस वेव को हम लोग सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, एल वेव को हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं। ये लॉन्ग वेव होते हैं। प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, एस वेव ट्रांसवर्स होता है। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों मैकेनिकल वेव हैं, मतलब कि इनको मीडियम की जरूरत होती है, यह ऐसा मैंने आपको भी तुरंत बताया, ठीक है? अब देखो ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है और ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें वाइब्रेशन दिशा के अलोंग होता है, मतलब कि वेव इस तरफ जा रहा है तो वाइब्रेशन भी इसी तरह से ऐसे ऐसे होगा। समझ गए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेव जा रही है इस दिशा में, डायरेक्शन जो है ना वो आगे की ओर है, मगर जो वाइब्रेशन है वो ऊपर नीचे है। समझ गए? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाएगा, मतलब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा।
क्लियर है? तो वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। इतना रटना नहीं है, बस याद रखो कि जो पी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है, एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स है। क्लियर है? याद रहेगा, देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपने ये देखा कि क्या होता है सिस्मिक वेव और क्या होता है पी वेव, एल वेव, इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। प्राइमरी वेव के बारे में ध्यान सुनिएगा, जितने भी सिस्मिक वेव होते हैं उसमें पी वेव सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज स्पीड होती है इसकी। चूंकि सबसे तेज स्पीड है इसीलिए पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा। ध्यान सुनना, मान लो कि यहां पर कहीं अर्थक्वेक आया है तो प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचेगा ना, पी वेव सबसे पहले आया, उसके बाद सेकेंडरी वेव आएगा। तो चूंकि पी वेव सबसे पहले पहुंचा है तो सिस्मोग्राफ को सबसे पहले पी वेव ही नजर आएगा, ठीक है ना। इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और ये सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एस वेव कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है पी वेव से, समझ के बात, कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है पी वेव से। तो ध्यान सुनिएगा, एक बात समझो, जो एस वेव होता है वो जमीन में उथल पुथल मचाता है, क्योंकि ये वेव इस तरह से ट्रेवल करता है तो जमीन ऊपर नीचे होती हुई प्रतीत होती है। और जो आपका पी वेव है वो जमीन को कंप्रेस करता है, ठीक है ना, देख रहे हो ना, दबा रहा है और खींच रहा है। तो ये जो दबाव है वो आपके प्राइमरी वेव के कारण ही आता है, ठीक है। प्राइमरी वेव सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, उससे कम गैस में होती है। क्लियर बात? इनका जो वेलोसिटी होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल की इलास्टिसिटी पर, ठीक है। जैसे कि क्रस्ट में होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मेटल में होता है 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और आपका जो इनर कोर है वहां पर 11 के करीब पाया जाता है, ठीक है। अब ये एनोमली कही जाती है, पता नहीं क्यों इसको, मतलब ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है, ठीक है। चलो अगला कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वेव के बारे में सवाल पूछा गया है, प्राइमरी वेव मूव फास्टेस्ट एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, पी वेव सबसे तेज होता है, सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, पहला, एकदम सही है। दीज वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, नहीं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से मूव कर सकता है ये, तो आपका दूसरा सन्नाटा हो गया। क्या पी वेव साउंड वेव के समान होती है? अच्छा, मान लो कि नहीं पता है ये वाला, तो मेरा पहला तो सही है, दूसरा गलत है। आपने क्या किया, यहाँ पर दो एलिमिनेट किया, दो तो कट गया ना सब में, क्या आंसर आ गया जी, ए आंसर आ गया। अगर मुझे तीसरा नहीं भी पता होता, अगर आपको याद नहीं भी होगा कि प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, एस वेव ट्रांसवर्स होता है, तब भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे, निकाल लेंगे ना आंसर, कैसे निकाल लिया इसमें, ठीक है। देखो पी वेव को ध्यान से, ये जो आपका पी वेव होता है वो साउंड की तरह मूव करता है, जो पी वेव है ना वो साउंड की तरह मूव करता है, ठीक है। चलो समझ गए, सवाल करो अगला वाला, पी वेव प्रोपगेट कैसे करता है। देखो यहां पर आपका फोकस है, यहां पर जो अर्थक्वेक है वो पैदा हुआ है, यहीं से सारा जो एनर्जी है वो मूव कर रहा है, एनर्जी आपका इस दिशा में गया। अच्छा, ये जो आपको अर्थक्वेक का सिस्मिक वेव मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये मुड़ाव किस कारण से है, ये मुड़ाव है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण है ये जो मुड़ाव है, ये जो कर्व हो रहा है ये अपवर्तन कारण है। देखो यहां पर एक चीज और हो रही है, यहां पर आकर के भी ये में जो वेव है ना वो मुड़ जा रहा है, पहले इस तरह से आ रहा था ना, यहां पर आकर के इसका कर्व बदल गया। क्यों बदल गया सर? क्योंकि कोर की डेंसिटी अलग हो गई, कोर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो रेज हैं, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, इसके मुड़ने के कारण, इसके अपवर्तन के कारण इतना एरिया में
हमको कोई भी सिस्मिक वेव देखने को नहीं मिलता, इतना एरिया में हमें कोई भी सिस्मिक वेव देखने को नहीं मिलता इस पूरे एरिया में। इसको हम कहते हैं शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के सरफेस का वो भाग जहाँ पर हमको सिस्मिक वेव ऑब्जर्व नहीं होता, इसको हम शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पी वेव होता है वो हमको 103 डिग्री, ध्यान सुनना, हम लोग हमेशा फोकस से नापते हैं। जहाँ पर आपका वेव मतलब पैदा हुआ है, जहाँ पर आपका अर्थक्वेक पैदा हुआ है, एपिसेंटर यहाँ पे, ठीक, एपिसेंटर उसके ऊपर होता है या फोकस होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका चीज़ है यहाँ से 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक, ये पी वेव का शैडो जोन होता है। मतलब इस वेव मतलब इस एरिया में हमको पी वेव देखने को नहीं मिलता, इधर भी देखने को नहीं मिलता इतना इतना दूर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पी वेव ट्रांसमिट करता है, प्रोपगेट करता है। अब आते हैं हम लोग एस वेव की तरफ, एस वेव की तरफ हम लोग आते हैं अब। तो यहां देखिएगा, एस वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, पी वेव क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था। ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो ट्रफ एंड क्रेस्ट क्रिएट करता है, मतलब कि इस तरह से क्रिएट करता है पृथ्वी पर, पृथ्वी को इस तरह से उथल पुथल करता है। इसी कारण से डिस्ट्रक्टिव पावर होती है काफ़ी ज़्यादा इसके पास, बिल्डिंग वगैरह खूब गिराता है ये। ये पी वेव के बाद पहुंचता है और सिस्मोग्राफ पर सेकेंड आता है, चूँकि प्राइमरी वेव से स्लो है तो सेकेंड नंबर पर ये आता है। और ये फ्लूइड से मूव नहीं कर सकता, ध्यान सुनिएगा, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो करे, जो फ्लो करे। और फ्लो कौन कौन करता है, लिक्विड भी करता है और गैस भी फ्लो करता है। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड कहलाते हैं, केवल लिक्विड फ्लूइड नहीं कहलाता, गैस भी फ्लूइड कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये अलग अलग वेलोसिटी पर ट्रेवल करते हैं, डिपेंड करता है कि किसके थ्रू जा रहे हैं। जैसे कि आप किन्हीं के यहाँ न्योता में गए, शादी है, चल रही है शादियाँ, आप किन्हीं के यहाँ न्योता में गए तो किसी शादी में आप खूब दबा के खाते हैं, खाना अच्छा बना होता है, किसी किसी शादी में हलवाई ठीक से खाना नहीं बनाया होता तो आप हम थोड़ा सा कम खाते हैं। तो डिपेंड करता है ना कि कितना बढ़िया खाना है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो मीडियम है वो कौन सा है, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, ठीक है। तो ये जो आपका एस वेव है वो 103 डिग्री के पार नहीं मिलता, क्यों सर, क्योंकि देखो ध्यान से, जो आउटर कोर है ना, कोर का जो आउटर भाग है ये पूरा लिक्विड का बना हुआ है, लिक्विड मीडियम में है तो लिक्विड से तो पास करता नहीं है, तो यहीं पे। मगर जो पी वेव था वो लिक्विड से पास कर जा रहा था, भले ही वो मुड़ के जाए ऐसे करके, है ना, भले ही वो मुड़ के जाए मगर मुड़ करके पास हो रहा था। तो ये प्राइमरी वेव पास हो जा रहा था मगर सेकेंडरी वेव पास नहीं हो रहा, इसी कारण से सेकेंडरी वेव का जो शैडो जोन होता है वो ज़्यादा होता है। ये पूरा इस एरिया से इस एरिया में आपको नहीं ऑब्जर्व होगा, ध्यान सुनिएगा। हर अर्थक्वेक का शैडो जोन अलग होता है क्योंकि हर अर्थक्वेक अलग गहराई पर पैदा होता है और अलग अलग एरिया में पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ लिया एस वेव क्या होता है। चलो सवाल करो एक और। एस वेव दे कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ना ये फ्लूइड से ट्रेवल नहीं कर सकता, केवल सॉलिड से ट्रेवल करता है। एस वेव अराइव एट द सर्फेस विथ सम टाइम लैग, बिल्कुल सही बात है, टाइम लैग तो होगा ही क्योंकि प्राइमरी वेव के बाद आता है ये, उसे स्लो होता है ये। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, क्या आंसर हो गया जी, बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं, ये सवाल है क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना उससे, ब्लू वाली। एग्जिस्टेंस ऑफ एस वेव शैडो जोन इज द एविडेंस ऑफ व्हाट, एस वेव का शैडो जोन क्या दिखाता है। अभी क्या दिखा रहा था, ये यही दिखा रहा था ना कि पक्का आउटर कोर लिक्विड का होगा,
कोर का बाहरी भाग पक्का है कि लिक्विड का होगा, इसीलिए तो नहीं पास कर रहा है एस वेव वहां पे। तो क्या दिखा रहा है ये यही दिखा रहा है ना कि आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कमेंट में और मैंने बताया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन्होंने पूछा था कि पृथ्वी के भीतर तो हम गए नहीं हैं, तो कैसे पता कि क्रस्ट मेटल कोर तीन भाग में, मतलब तीन लेयर में विभाजित है अर्थक्वेक जो वेव्स है ना इनकी मदद से। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसी कारण मतलब पता चलता है आपके इस वेव के शेडो जोन के कारण। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो ध्यान से। ये आपका अंतर है, एस वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा है, पी वेव का शेडो जोन छोटा है उससे। चलो अब मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है आपको, सुनामी। सुनामी के बारे में मुझे पढ़ाना है, मैंने अर्थक्वेक पढ़ा दिया है, वोल्केनिज्म पढ़ा दिया है, और इन्हीं दोनों के कारण सुनामी आता है। सुनामी कब आता है? सुनामी तब आता है जब अर्थक्वेक ओशियन क्रस्ट के नीचे आए। ओशियन का जमीन है ना, जो सरफेस है, ओशियन क्रस्ट के नीचे जब तेज भूकंप आए, जब तेज अर्थक्वेक आए, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आए, तो सुनामी पैदा होती है। क्लियर बात है? कैसे पैदा होती है सर? ध्यान सुनिएगा। देखो ओशियन, ओशियन प्लेट जहां पर मिलता है वहां पर अगर अर्थक्वेक आता है, तो मान लो कि एक प्लेट ऊपर चला गया, एक प्लेट नीचे रह गया, तो होता क्या है कि जो गैप पैदा होता है ना, गैप में पानी समाता है, या फिर पानी के ऊपर मतलब उछालता है, ये अर्थक्वेक के कारण पानी को मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर एक बड़ा सा वेव पैदा होता है और ये पूरा कोस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, यही जो वेव होता है बड़ा सा, कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा ऊंचा हो जाता है और ये सुनामी कहलाता है। क्या होता है? ये सुनामी कहलाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले सबमरीन अर्थक्वेक आया, मतलब कि अंतः समुद्री भूकंप, समुद्र के भीतर में भूकंप आया। इस भूकंप के कारण डिस्टरबेंस हुआ समुद्र के पानी में, ओशियन के पानी में, और ये जो वेव्स हैं वो आगे की ओर बढ़ी सुनामी के रूप में। ठीक है, अब एक तो होता है नॉर्मल वेव, इससे बड़ा होता है सुनामी वेव। दोनों में अंतर क्या होता है समझो ध्यान से। जो नॉर्मल वेव होता है इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, मगर जो सुनामी होती है इसकी कहीं गुना ज़्यादा होती है, 700 के करीब आसपास इसका स्पीड होता है। नॉर्मल वेव कम डिस्टेंस पे कवर करता है, मगर सुनामी वेव है ना बहुत ज़्यादा दूरी तक जाता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर आप गहरे समुद्र में होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, गहरे समुद्र में पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी आपके नीचे से गुजर रही है, जहाज को पता नहीं चलता। सुनामी तब पता चलता है जब वो कोस्ट के नजदीक जाती है। ठीक है, वेवलेंथ इसका 100 किलोमीटर के आसपास होता है और सुनामी का वेवलेंथ 150 किलोमीटर के आसपास होता है। वेवलेंथ क्या होता है सर? ध्यान सुनना, वेवलेंथ किसी भी वेव, जो कोई वेव मूव करता है उसके माथा जो दो है ना उसके बीच की दूरी होती है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हुआ एक वेवलेंथ, मतलब कि वेव यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ। अब ये दोबारा यहां से अपने आप को रिपीट करेगा। क्या करेगा? दोबारा यहां से अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये जो दूरी हुई ना, ये दूरी इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। या तो ये वाला दूरी देख लो या तो माथा वाला दूरी देख लो, बात वही है, डिस्टेंस आपका उतना ही आएगा। ये जो हाइट है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, सुनामी वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है जब वो गहरे समुद्र में होता है। इस वाक्य से मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस वाक्य से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गहरे समुद्र में इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना। जब जैसे ही कोस्ट के नजदीक आता है वेवलेंथ घट जाता है, इस तरह से ट्रेवल करेगा फिर वेव आपका, वेवलेंथ घट गया, छोटा हो गया, और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि जाकर के सीधे कोस्ट पर पूरी एनर्जी के साथ गिरता है। ठीक है, सबसे पहला ध्यान सुनना, अब मैं बता रहा हूं अर्थक्वेक
पैदा होने का पूरा प्रोसेस तीन फेज में। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के कारण पानी में उथल पुथल होता है, पानी में उथल पुथल होता है। जैसे ही वेव पानी उठा, क्या होगा, पानी, ध्यान सुनना है यहाँ पे, पानी जब ऊपर उठेगा ना बाबू, तो कोस्ट का जो पानी है ना वो रिसीड होता है, समुद्र में जाता हुआ प्रतीत होता है। तो लोग कौतूहल में आ जाते हैं कोस्ट के पास कि अरे रे, पानी लौट रहा है समुद्र की ओर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि पहले पानी यहाँ तक आता था, अब पानी घट करके यहाँ तक आता है। तो लोग देखने आते हैं समुद्र के पास कि पानी क्यों जा रहा, कहाँ जा रहा है पानी दूर तक। पानी जब रिसीड करता है ना, उसके बाद पानी पूरा फोर्स से आता है इसकी तरफ और सब कुछ बहा के ले जाता है। तो पहले फेज में क्या होता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक के कारण पानी मूव करता है, अपलिफ्ट करता है। ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ता है सुनामी के रूप में, सुनामी के रूप में आगे बढ़ता है। और यहाँ पर इसका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए जहाज को पता नहीं चलता। फेज नंबर टू में क्या होता है कि जो ये वेव था, सुनामी वेव था, वो कोस्ट के पास पहुंचता है। चूंकि वहां पर गहराई कम हो गई है, वेवलेंथ कम हो जाता है और वेव्स ब्रेक होते हैं। क्या होता है, वेव्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, वेव ब्रेक होते हैं। ये ब्रेक होता है तो पूरा जो अपना एनर्जी है वो ला करके कोस्ट पर पटकता है और वहां पर आपको बहुत ही बड़ा वेव क्रिएट होता है। मतलब कि 10 तल्ला, 11 तल्ला जो ऊंचा बिल्डिंग है, उतना बड़ा आपका जो वेव है वो पैदा होता है और एनर्जी सारा जा करके शोर पर लगता है और बिल्डिंग वहां पर सब तहस नहस हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये मूवी का एक है। तो इस तरह से जो आपका पूरा प्रोसीजर है वो होता है। जैसे ही वेव कोस्ट पर हिट किया तो वहां पर तबाही मचती है। और सुनामी केवल एक वेव नहीं होता, कई सारा वेव आता रहता है, ठीक है ना। पहले एक वेव ने आकर हिट किया, उसके बाद दूसरा वेव आकर हिट करेगा, उसके बाद अगला वेव आकर हिट करेगा, तो आपका कई सारा वेव होता है। चौथा और आठवां वेव सबसे ज्यादा घातक होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और हर वेव के बीच में 15 से 50 मिनट का समय होता है। जैसे कि एक वेव आकर हिट कर गया, इसके 15 से 50 मिनट के बीच में अगला वेव आकर हिट करेगा, ठीक है। इस तरह से कई सारे वेव आके हिट करते हैं। तो आपने क्या देखा, पहले भूकंप आया, उसके बाद पानी रिसीड किया, रिसीड करने के बाद पानी पूरे रफ्तार से इस कोस्ट की तरफ बढ़ा और इस तरह से तीन फेज में सुनामी का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ। समझ गए। अब यहां पर एक बात, ये स्लाइड केवल मेंस के लिए है, मैं दे दे रहा हूं आपको कि सुनामी वेव से लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो सुनामी के लिए हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है कि जैसा ही कोई नीचे अर्थक्वेक आता है, तुरंत हमको खबर लग जाती है कि वहां पर इतना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है, हो सकता है कि सुनामी आएगी। एक बात और, समुद्र में हमने छोटे छोटे से मशीन लगा रखे होते हैं जो वेव को डिटेक्ट करता है और हमको सूचित करता है कि हाँ, यहाँ से वेव चल पड़ी है, अब आप समझ, आप वहां पर तैयारी कर लीजिए, कोस्ट से हट जाइए, देखने मत आइए था वहां से कोस्ट पर खड़े होकर के। इनक्वाइस हैदराबाद में स्थापित किया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन साइंसेज, इसका गठन किया गया है इसी सुनामी का जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करके हम तक पहुंचाने के लिए। जो सुनामी का वेव एम्पलीट्यूड है वो मतलब कि रिकॉर्ड करता है और हमें बताता है 24 घंटे 7 दिन, मतलब कि हर समय इनकी जानकारी हमको मिलती रहती है। रियल टाइम सी लेवल सेंसर जो होते हैं वो जो प्रेशर होता है उसको रिकॉर्ड करता है और वो हम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो सारे आपके मतलब कि ये जो आपके प्रिपेयर्डनेस है वो हमारा है सुनामी के प्रति। ये कब काम आएगा स्लाइड, जब GS3 में आपको सवाल पूछेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत सुनामी पर, ठीक है। तो PDF अगर सब मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा आपको, प्रेप IS जो चैनल है ना, प्रेप PRDLP IS चैनल है, यहाँ पर आपको जो सारा PDF वो मिल जाएगा। क्लियर बात। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है जियोमॉर्फोलॉजी में जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं उनके बारे में,
इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के जो तीनों लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेटल कोर, ये पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ा वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लिया हमने, माउंटेन प्लेटू प्लेन के बारे में पढ़ा, और फिर वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक और सुनामी को हमने कवर किया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पूरा ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। आपको बस ध्यान से क्लास करते रहना है। अगर आपकी पहली क्लास है तो नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जो हमारी क्लासेज हैं लेक्चर नंबर 1, वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।